बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं, मैं हफीज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और कोशिश करें इस दिन का जो आगाज़ है वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हुए करें, ताकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, तो आपका पूरा दिन खूबसूरत गुजरे। आज का प्रोग्राम जो है, ये भी हमेशा की तरह एक अच्छी बात से हम इसका आगाज़ करेंगे। आज का जो अच्छा काम आपने करना है वो ये कि मुल्क के हालात वाकयात तो आप सब लोगों के सामने हैं, तो इन हालात में आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, सबका सोचना है। जब आप सबके बारे में सोचते हैं, सबको साथ लेकर जब चलते हैं, तो चीज़ें खासी जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन सिर्फ जब हम मैं में रहते हैं ना, कि सिर्फ मैं, तो ये मैं इंसान को बाज़ दफ़ा बहुत महंगी पड़ जाती है। तो हमने मैं को छोड़ना है, आज से हमने हम को अपनाना है। जब हम मिलजुल कर काम करेंगे, हम मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होंगे, खुशियों को बांटेंगे, तो चीज़ें काफ़ी जो है वो आसान हो सकती हैं। तो आज ये लाजमी आपने काम करना है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, इवन जो मेरी बहनें घरों में सुन रही हैं, वो भी इस बात पे लाजमन तवज्जो दीजिएगा कि आज से हमने अपनी मैं को छोड़ना है और हमको अपनाना है। आज भी बुनियादी दो टॉपिक्स होंगे जिन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने वार्डरोब के बारे में बताना चाहूँगी। आज का खूबसूरत सा वार्डरोब हमारा जो है वो है एहसन शफीक का। तो इनके बहुत ही खूबसूरत आज कल इनकी कलेक्शन आई हुई है। सोशल मीडिया पर जाएँ, इन्हें अप्रोच करें, इस तरह के खूबसूरत ड्रेसेज आप लोग भी बाई कर सकते हैं। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा इंतहाई अहम है। हम देखते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी का दौर है और इस जदीद दौर में ख़ुद को, यानी अपनी लाइफस्टाइल को हम जैसे बदलते हुए देख रहे हैं। इंसान क्या है, मशीन में कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो है वो हम बन चुके हैं। जो हमारी जिस्मानी मशक्क़त हुआ करती थी, उसकी जगह अब ज़हनी मशक्क़त ने जो है वो ले ली है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि अपनी सेहत को बरकरार रखना खासा जो है वो मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है। इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त होता जा रहा है, और जब हम सुस्त हो जाते हैं, कुछ जिस्मानी एक्टिविटी नहीं रहती, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती है, जिसमें आप देखें ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा बीमारियां हमें देखने को मिल रही है, हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और इंतहाई अहम चीज़ हम में जो है वो जिस्मानी एक्टिविटी ना होने की वजह से एक जो वो कहते हैं ना बर्दाश्त का एलिमेंट, वो भी ख़त्म हो जाता है। जब आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं, कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो एक कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, उससे इंसान बड़ा खुश रहता है, बड़ा रिलैक्स रहता है। तो ये चीज़ भी हमारी ज़िंदगी से जो है वो ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। कैसे इसको इस टेक्नोलॉजी के दौर में वापस ला सकते हैं, यानी कि अपनी जिस्मानी एक्टिविटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो, हम हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, ताकि तमाम तर जो चीज़ें हमारी हैं, जो तमाम हमारी वो लाइफस्टाइल है, वो खूबसूरत रहे, पॉजिटिव रहे, एक्टिव हम जो है वो परफॉर्म कर सके। अपने बच्चों का मुस्तकबिल चूँकि संवारने के लिए हम अनथक मेहनत करते हैं, तो इस अनथक मेहनत में जो है वो एक्टिव होना, हमारा सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह से कर सकते हैं, ये बेशुमार सवालात हैं। इन पे आज इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेट करेगा। जब एक्सरसाइज नहीं होगी, इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान एक रोबोट बन जाता है, एक मशीन बन जाता है, तो ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव का जो है वो हम शिकार होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह बना लेती है। तो दोनों इंतहाई अहम आज के टॉपिक इंशाल्लाह इन डिटेल इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला मौजू जो है, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपकी सेहत के हवाले से है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से जो है वो अपनी
जो जिस्मानी तंदुरुस्ती है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए, इस पर गाइड करने के लिए तमाम तरह चीज़ें हमें ज्वाइन किया, हमारे बेस्ट प्रोग्राम्स पे भी आती हैं। आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं जी, तहमीना रफीक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तहमीना, आज हम फिटनेस पर बात करने जा रहे हैं। आप जब भी आती हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन को गाइड करते हैं, एक शिकवा भी करती हैं कि हम तो बता बता के थक गए हैं लेकिन लोग असर नहीं, उस पर अमल नहीं करते, उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। तो ये शिकवा आपका बजा भी है, बनता भी है, क्योंकि वाकई ऐसा है और इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। यही पहला आज का सवाल भी है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती, एक सेहत उसको हम बरकरार रखें। अच्छा, दो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में। एक तो यू नो लाइफ बिकम ईजी, यस, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, बस कपड़े डाले तो उसने दो धुला के सुखा के बाहर निकाल दिए। अच्छा, उसके अलावा तो अभी ऐसी मशीन्स भी आ गई हैं कि जो बस वो ड्राई भी करके और आयन भी करके बाहर निकाल देती हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आ गई गाड़ियाँ, छोटी हैं, बड़ी हैं, बाइक हैं या कुछ भी है, तो ऑब्वियसली अगर हमने 5 मिनट की भी वॉक करनी है तो वी डोंट वॉन्ट टू गो बाय वॉक। हमारा कोशिश होती है कि यार गर्मी है, कौन जाए, सो लेज़ी हो गए थोड़ा सा। अच्छा, अब इन द एंड ऑफ द डे वही बात आती है कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, मतलब फॉर इंस्टेंस अल्लाह की नेमतें हैं, सो मैं ये नहीं कहती कि आप पैदल गर्मी में धूप में खारी करें, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से कम आपने 6 से 8 घंटे तो सोना ही है, डिपेंडिंग कि आप अडल्ट हैं या आप यंगस्टर हैं या कुछ भी है, लेट्स से हम 8 घंटे निकाल देते हैं बीच में से, अब पीछे जो आपका वो जो 16 घंटे आपके बचते हैं उनको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। उन 16 घंटों में ऑब्वियसली आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि आपने खाना खाना है, और वो खाना आप किस तरह से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और उसमें बर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के उनको भी ऑब्वियसली डाइट चाहिए। तो अगर आपका फ्यूल जो है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि फूड जो है इज़ द फ्यूल फॉर द बॉडी, लेकिन अगर फ्यूल ही गलत है तो फिर वो आप कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है, तो वो नहीं हो सकती, वो डेफिनेटली। तो वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे, यानी जहाँ पे उसके यानी एक तरीके से हम कहते हैं कि नुकसान हैं, वहाँ पे फवाइद ये हैं कि नाउ हर चीज यू नो इज ऑन द इंटरनेट, यस, इजी वे इजी है। सबसे बेहतर चीज ये है कि अभी तो आपके पास वॉचेस आ गई हैं जो आपको कैलोरीज बता रहा है, आपके स्टेप्स बता रहा है, आपका हार्ट रेट बता रहा है, इवन जो आपको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा, अपना बीपी चेक करवाने के लिए, अपने हार्ट रेट चेक करवाने, बिल्कुल आप डायबिटीज का देख ले, घर पे आप अपना चेक कर सकते हैं, आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है आप घर पे कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। मेन चीज ये आती है कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह करते हैं, जैसे 10,000 स्टेप्स कहते हैं रिकमेंडेड है इन द होल डे, ठीक है, वो आपको वॉच बता रही होती है कि आपने 10,000 किए हैं या नहीं किए या नहीं। अच्छा, इसी ये जो मॉडर्न लाइफ की हम बात कर रहे हैं, अब ये तमाम तरह इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी वो जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारी जिस्मानी मशक्क़त है, वो यानी कि ना होने के बराबर ही तकरीबन हो चुकी है। तो इसकी वजह से ये जो मोटापा बढ़ रहा है, इसका जो रुझान बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे हम कम करें, या ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? असल में ओबेसिटी जो है इज़ लाइक अ साइलेंट किलर। अब हमें चूँकि 6 महीने में ये नज़र नहीं आता ना कि हम ओबीस हो रहे हैं या हमारा फैट लेवल बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो फिर लोग कहते हैं ओ कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। अब ये तो नहीं ना कि आपने हर महीने 4-4, 5-5 किलो गेन किया, अगर आपने फॉर इंस्टेंस 2-3 किलो गेन भी किया है विद इन अ मंथ और 2 मंथ, तो वो आपको फील नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो किसी एक जगह पे तो नहीं आ रहा होगा, ओवरऑल बॉडी पे आ रहा होगा। जब तक आप ये रियलाइज करते हैं कि आप ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं या आपका बीएमआई ऊपर चला गया है, तो आप कम से कम 15-20 किलो गेन कर चुके होते हैं। यानी वो फिर 2-4 किलो पे बात नहीं होती अच्छा, अब 2-4 किलो तो इजी है कि आप कभी ट्रेवलिंग करने गए, कभी आप घर में बिजी हैं, या आप प्रेग्नेंट थी, आपका पोस्टमार्टम चल रहा था, देन इट्स ओके। लेकिन जब वो चीज हो गई ऑलरेडी, अब वो 15-20 किलो कम करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। फिर वही बात आती है कि टाइम। अच्छा, उस मेहनत में अगर हम बात करें जिम का, अगर हम जिक्र करें, तो ये फायदेमंद है? जिम बिल्कुल फायदेमंद है। देखिए, जिम इज लाइक के एक पूरा घर है आपका, जिसमें अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई किसी भी किस्म की कार्डियो वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज एक रूम के अंदर मिल रही है। लेकिन अगर आप जिम नहीं भी जा सकते, उसमें बात है टाइम की जो आप जिक्र करने वाले थे। मुझे ये लगता है कि देखें, जिम अगर तो आपके पास टाइम है, जो कि आजकल के दौर में टाइम पॉसिबल नहीं है, जैसे हमें कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि आप इसलिए बड़े आसानी से कह देते हैं कि जो टाइम है, क्योंकि आपका तो काम ही है ये। ओह माय गॉड, एंड आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रेनर आपका तो सारा दिन यही काम है कि आप लोगों को ट्रेन कराएंगे, एक्टिव रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है ना, वन ईयर आई कुडंट गेट द टाइम कि मैं ज्यादा ट्रेनिंग करती, मैं जिम में करती, एनफ एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि वाकई टाइम नहीं होता. लेकिन उसका मैंने चीजें ये रखी हैं कि बीइंग अ ट्रेनर मुझे पता है हाउ टू स्टे फिट. यस, तो मैंने कुछ चीजें अपने घर के अंदर, रूम के अंदर मैंने रखी हुई हैं. आई बॉट द ट्रेडमिल, उसमें मैं टॉवल नहीं सुखाती. लेकिन उस ट्रेडमिल को मैंने क्यों रखा, हालांकि जिम इज इन माय एक्सेस, मैं जब चाहूं मैं जा सकती हूं. यस, मैंने इसलिए रखा था कि घर की जिम्मेदारियों में समटाइम्स आई डोंट गेट टाइम. तो जो आम लोगों का एक गिला होता है कि टाइम नहीं मिलता, मुझे रात के 10 बजे भी टाइम मिलता है तो आई गो ऑन द ट्रेडमिल. ओके, मुझे जब टाइम मिलता है, मैं टाइम पे बिलीव नहीं करती कि ये सुबह ही करो या दोपहर में करो. अच्छा, मैं क्योंकि होता है कि जब हम जिम में होते हैं सैटरडे संडे यूजली आर ऑफ. ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट कर रहे हैं तो देन इट्स ओके. अदरवाइज मेरे लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता, मुझे पता होता है कि मे बी हो सकता है जब भी टाइम मिल जाए, जब भी टाइम मिले, व्हेनेवर आई फील कि आई नीड टू टेक अ रेस्ट आई रेस्ट. ठीक. अच्छा, ये तमीना, जब हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर, कोई अपने आप को एक्टिव ना रखने की वजह से डिफरेंट डिजीजेज आ रही हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की बात करें, शुगर के अमराज बहुत ज़्यादा हैं, दिल के अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, वो कैसे एक्सरसाइज को अडॉप्ट करें, क्योंकि ज़रूरी है उनके लिए भी कोई ना कोई एक्सरसाइज का होना. देखें, अगर तो आप हाइपरटेंशन आपको होती है, या आपको पल्पिटेशन होती है, या खुदा ना खास्ता आगे जाके कोई मसला हो, तो अब हार्ट क्या है, इज अ मसल. यस, जैसे आपने बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, आपने चेस्ट के मसल बनाने हैं, एब्डोमिनल के मसल बनाने हैं, तो हार्ट भी तो एक मसल है ना. तो हार्ट को भी तो ट्रेन करना है. अब हार्ट को ट्रेन करने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने करना ही है. ठीक है, अब आप किसी भी एज में, फॉर इंस्टेंस आप 40 के हैं, 50 के, इवन 60 साल की उम्र में हैं, तब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, ठीक है, कि आप वॉक करें. Alright. अच्छा, अब दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि टेक्नोलॉजी के दौर में अब आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि आपकी हार्ट बीट मैक्सिमम होनी कितनी चाहिए. सही. सो 220 माइनस एज. अच्छा, आपकी अगर 60 साल एज है, तो आप 60 उसमें से माइनस कर दें, तो पीछे रह गई आपकी 160 रह गई. तो अब 160 आपकी मैक्सिमम 100% हार्ट रेट है. अच्छा, अब हम 100% रेट पे कभी भी किसी क्लाइंट को ट्रेन नहीं करते, एक्सेप्ट कि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है और आप बहुत ज्यादा एथलीट हैं या कुछ भी हैं, लेकिन एक बिगिनर बिल्कुल. ठीक. अच्छा तमीना, इसमें हम जानते हैं कि डिफरेंट ये जो डिजीजेज हैं जिसमें लोग मुब्तला हैं, इनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह नाज़रीन इन डिटेल आपको गाइड करते हैं कि जो लोग शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज में मुब्तला हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज डेली कितने मिनट के लिए जो है वो कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है. और खास आगे बात जो है वो ख़वातीन के लिए भी हम करेंगे कि चूँकि मर्द हज़रात वो भी एक्टिव, उनका रहना ज़रूरी, लेकिन साथ ही साथ ख़वातीन के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए इस पर बात करेंगे. लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा पहला मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से जिस्मानी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, उसी पे डिस्कशन की जा रही है. तमीना हमारे साथ हैं. तमीना, हम बात कर रहे थे कि जो लोग शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं, वो किस तरह से एक्सरसाइज करें, दिन में कितना टाइम जो है वो अपने आप को दें, कोई ना कोई जिस्मानी एक्टिविटी हो. इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि जो लोग जिम का इस्तेमाल, मतलब जिम यूज़ कर जाते हैं, कुछ दिन के लिए ज्वाइन करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं, इसका क्या नुकसान हो सकता है. अच्छा, एक तो बीमारियों का जैसे मैंने बताया था कि हार्ट का आपका मसल है, यू हैव टू ट्रेन इट. ठीक है, अगर आपको एस्मा भी है, मतलब सांस की भी अगर आपको तकलीफ है, तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रेडमिल या कार्डियो किसी किस्म की भी एक्टिविटी मुश्किल है. अच्छा, तो कोशिश ये करें कि आप अपनी हार्ट रेट नज़र में रखें. ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या कोई खुदा ना खासा आपको बीमारी है, तो कोशिश करें कि अपने हार्ट रेट यानी ज्यादा 30-40 से ज्यादा ऊपर ना जाए. सही. जब स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा तो यू विल बी ओके. या अगर एस्थमेटिक हैं स्पेशली, या अगर आपको हार्ट का कुछ स्वेयर मसला है, तो फिर किसी के साथ ही करें. अच्छा, ठीक है, अकेले नहीं, अकेले नहीं करें. अच्छा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि आप टाइम का जो मसला है, मतलब जिम में आप जाते हैं, अगर तो आप जिम जा सकते हैं तो आप जिम जाएं. अच्छा, एक मैंने लोगों को देखा है कि जब जिम जाते हैं तो फिर 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे जिम के अंदर ही होते हैं.
अच्छा उन्हें लगता है कि सारी एक्सरसाइज सारा वर्कआउट आज ही कर लेना। अच्छा अगर तो आप इवन यानी अगर मर्द हजरात भी मुझे देख रहे हैं आप वो कहेंगे इसको क्या पता है, ठीक है ना, लेकिन मैं लड़कों को भी ट्रेन करती हूँ। अगर आप इवन बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो आपने हर मसल की कुछ चार एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मसल। अच्छा अब अगर ट्राइसेप की 5 एक्सरसाइजेस है फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना, कि मतलब आपने ट्राइसेप डिप्स करने हैं तो किक बैक्स करनी है ये वो, ठीक है। मैंने उनको देखा है कि वो हर एक्सरसाइज करते हैं, जितनी ट्राइसेप की होंगी, जितनी बाइसेप की होंगी, जितनी चेस्ट की, जितनी शोल्डर की, दो दो एक्सरसाइजेज आप कर लें। अगर आपने डे डिवाइड किए हुए हैं मतलब तो तभी आप कर लें, अगर आपने मसल ग्रुप को किया हुआ है तब भी कर लें। सही, ढाई ढाई घंटे जिम में कोई एक्सरसाइज नहीं करता। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, इवन यू विल गेन द रिजल्ट, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये आती है कि अगर आप जिम छोड़ देते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं हफ्तों के लिए आप जाते हैं देन उसके बाद छोड़ देते हैं, भाई छोड़ देते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अक्सर लोगों ने ये कहा है, ठीक है, कि भाई हम जिम छोड़ देते हैं तो एक्चुअली हम ज्यादा मोटे होते हैं या वर्कआउट करते हैं तो ठीक रहते हैं, ठीक है। बेसिकली मसला ये है कि जब आप जिम करते हैं तो ऑब्वियसली आप मसल मास गेन कर रहे होते हैं। मसल मास का मतलब है कि मसल बेसिकली आपकी बॉडी को लीन करता है, स्क्वीज करता है, सही, ठीक है। तो जो फैट होता है, फैट इज लाइक अ राउंड थिंग, जैसे ये गोल चीज है, ठीक है, तो ये अगर आपका फैट है तो ये गोल गोल होगा, लेकिन अगर आपने बाइसेप ट्राइसेप बना लिए हैं तो कट्स आ जाते हैं बॉडी में। तो वो सिर्फ होता है कि जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके मसल्स खत्म हो रहे होते हैं। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है, यंग एज में ज्यादा, जैसे आप एक पौधे को पानी देते हैं, उसको पानी देना छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो दिन ब दिन मुरझाता जाएगा। इसी तरीके से आप मसल्स को भी ट्रेन करते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो मसल की जगह फैट अपनी जगह बना लेते हैं और आपको लगता है मैं मोटा हो गया हूँ, हालांकि आपने चर्बी गेन की है, जिम ने नहीं की, जिम ने नहीं की। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ लोगों का कहना है या मानना है कि जो एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल एक ओपन एयर खुली फिजा में जो है वो जाके करनी चाहिए, इज इट ट्रू, मतलब ये दुरुस्त तरीका है या ये वाकई हकीकत है कि ऐसा ही होना चाहिए? देखिए मेडिटेशन के लिए या नेचर के करीब रहने में कोई बुराई नहीं, आप हाइकिंग पे जाना चाहते हैं, आप सुबह की वॉक पे जाना चाहते हैं, आप जरूर जाएं, ठीक है, लेकिन फिटनेस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ज़हनी ताल्लुक जरूर है कि आप खुली हवा में जा रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, चीजें होंगी। अब देखिये जैसे हमारे मुल्क में गर्मियां हैं और माशाल्लाह से हमारे मुल्क में जैसे जैसे दरख्त काटे जा रहे हैं उस तरह से ये 45-46 बढ़ रहा है। अब अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या हाइकिंग कर रहे हैं और आपको मैं कहूंगी कि 45 डिग्री आउटसाइड आप जाएंगे तो क्या होगा, आप डिहाइड्रेटेड होंगे, आप कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये है कि जिम का एनवायरमेंट या एक रूम का एनवायरमेंट जो है वो जरूरी है। तो कुछ चीजें ना अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि आप हर चीज नहीं कर सकते, आप बेशक ना जाएं, फिर आपने टाइम देखना है कि किस टाइम पे मैं जाऊं जब टेम्परेचर इतना, क्योंकि जिम के अंदर जो जिम का टेम्परेचर होता है वो इतना रखा जाता है कि लोगों को ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे, देखे नॉर्मल, ठीक नॉर्मल। अच्छा तमीना, हम बात करते हैं कि जवानी और बुढ़ापे के जब हम देखते हैं तो ये एक दो उम्र यानी कि उसको आपस में डिवाइड करते हैं, तो जवानी की जब बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज को हम मामूल का हिस्सा बना सकते हैं, अगर बुढ़ापे की बात करें तो उसमें किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों के लिए ये सवाल है। अब ये मैं बड़ा अजीब सा आपने सवाल किया है जवानी और बुढ़ापे का, इसका मतलब है कि मैं अपनी सारी एक्सरसाइज चेंज कर दूं? अगर तो आपने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया तो फिर वो हम बिगिनर और यू नो मॉडरेट एक्सरसाइजेज की बात करते हैं या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। अभी तो माशाल्लाह से दुनिया में 50-60-70 की विमेन और इवन मेल भी अगर आप देखें, ठीक है, तो वो ऐसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। सीरियसली यही बात, इट ऑल कम्स बैक टू योर लाइफस्टाइल। यस, अगर आप सारी जिंदगी यानी योगा कर रहे थे, अब योगा लोग सारी जिंदगी करते हैं, अगर उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल, लाइफस्टाइल है, अगर आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जैसे कई दफा शुरू में हमें लोग पूछा करते थे कि मर्द, ये मर्दों की एक्सरसाइज है, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, हॉर्मोन्स हमारे डिफरेंट जरूर हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं है कि अगर पुशअप यानी लड़का कर रहा है तो मैं पुशअप नहीं कर सकता, तो लड़की नहीं कर सकती, तो इसलिए हाँ। वो सेम कॉन्सेप्ट की आपने जवानी और बुढ़ापे की बात की, आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं क्योंकि बॉडी की एनाटॉमी वही है, आपकी आपका लाइफ स्टाइल यानी आपका फिटनेस लेवल डिफरेंट जरूर हो सकता है, ठीक है, आपको अगर कोई इंजरी है तो उसमें चीजें डिफर जरूर कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप 60 हैं या 50 से अबव हैं आप, और अगर आपको किसी किस्म की कोई इंजरी थी, आपने जिंदगी में वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, तो जो कोई 10-15 साल की बच्ची या बच्चा जो है मतलब वो दौड़ लगा सकता है, वो नहीं आप लगा सकते, बाकी किसी न किसी बीमारी में है तो अगर सारी जिंदगी आप करते रहे तो यकीन जानिए कि 50 आई वॉज ट्रेनिंग, ठीक, इसलिए ठीक है। मेरा बिल्कुल टाइम शॉर्ट है, हमारे पास 30 सेकंड है, मैं चाहूंगी कि खवातीन के लिए आप कोई पैगाम दे दीजिए जिस्मानी एक्टिविटी के हवाले से।
अच्छा खावतीन को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि टाइम निकालें प्लीज़, और टाइम आपने निकालना है, वो आपके लिए किसी ने भी नहीं निकालना है। और जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी फिजिक के हवाले से या पर्सनालिटी के हवाले से है, उस फ्रस्ट्रेशन से निकलें। लुक आफ्टर योर बॉडी, लुक आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है, देयर इज नो हार्म, लेकिन एक मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तमीना, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त इतनी अच्छी डिस्कशन। नाजरीन रही, यकीनन जब हम बात करते हैं अपनी सेहत की, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ की, तो कोई ना कोई जिस्मानी मशक्क़त का होना अशद ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये तमाम तर जो बर्डन है ये आपके जहन पे चला जाएगा, आप जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक पे जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर इस जदीद टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए रखते हैं, स्क्रीनिंग टाइम हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो किस तरह से जहनी तनाव का हम शिकार हो सकते हैं। तो इसी पर इंशाल्लाह इन डिटेल अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। सो हमारे साथ योगा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ज़हनी दबाव क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इस वक्त क्यों ये जो ज़हनी दबाव है इसका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन वजूहात यही हो सकती हैं, या एक वजह ये हो सकती है कि हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में है, टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, और इंसान को जब हम देखते हैं रिबोट की शक्ल जो है वो इख्तियार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कि इंसान का जो जहन है वो एक रिबोटिक शक्ल में आ चुका है, और उसकी एक वजह यही टेक्नोलॉजी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, घंटों हम सोशल मीडिया पे सर्व कर देते हैं, यानी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहती, अपने आप को हम वक्त नहीं दे पाते, ऐसी बेजा मवाद के अंदर हमने ख़ुद को उलझा रखा है, जो कि ज़हनी दबाव का शिकार जिस वजह से हम होते जा रहे हैं। इसी पर डिस्कशन करेंगे, और इस पर हमें गाइड करने के लिए ज्वाइन किया जाइए, हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुंबल शहजादे। अस्सलाम वालेकुम सुंबल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सुंबल, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो हमारा टाइटल ही है, ज़हनी दबाव क्या है। ज़हनी दबाव देखिए नॉर्मली कॉमनली नोन एज स्ट्रेस, कि स्ट्रेस अब तो कॉमन एक सुनते हैं ना, स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है, वर्क लाइफ का स्ट्रेस है, एजुकेशन का स्ट्रेस है, एट्सेट्रा। यानी पूरी ज़िंदगी हमारा जो एक लाइफ स्टाइल, जो तर्ज ज़िंदगी, हमने उसको खुद ही जो कन्वर्ट कर दिया है वो इस डिप्रेशन टेंशन में। नाउ इट वेरीज ना कि किस तरह का स्ट्रेस है। जैसे कॉमनली अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। अच्छा, इस वक्त अगर मैं पूछूँ तो जो हमारी एक करंट सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, जो हम सबकी लाइफ में या ओवरऑल देखें, तो आप कौन सा स्ट्रेस देखेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन जो कि इस वक्त चल रही है मुल्क में, तो डेफिनेटली इट इज़ डिस्ट्रेस। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एंड इवेंट कि आप किस चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे हो। अगर तो आप एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेस ले रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपका जॉब इंटरव्यू है, और इवन अगर ये टीम इस शो के लिए भी मैनेजमेंट कर रही है, तो दैट इज़ यू स्ट्रेस। एक पॉजिटिव स्ट्रेस है कि आप ऑब्वियसली जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा आप काम नहीं करोगे, आप एनर्जी पुट इन नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई टेंशन है, कोई पर्सनल लाइफ में टेंशन है, या जैसे आजकल फाइनेंशियल बर्डन एक चीज़ है, तो उसके बारे में जो आपको परेशानी है, टेंशन है, तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है। और जो एक और चीज़ भी है कि एक डिफरेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी भी है। कुछ लोग यू स्ट्रेस को भी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, कि एक वो पीक टाइम पहुंच जाए कि आप इतना स्ट्रेस लें कि आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाए। इसमें मज़ीद बात करते हैं कि जब हमारा एक्सट्रीम पे स्ट्रेस चला जाता है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी टीम ने एक लूप तैयार किया, वो देखते हैं, नाज़रीन को भी दिखाते हैं, देन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए,
वेलकम बैक नाज़रीन लूप। आपने देखा यकीनन इसमें जो ज़्यादा हमें एक स्ट्रेस की वजह दिखी है वो है स्क्रीन टाइम। सुमर यही वजह है, हम मॉडर्न लाइफ की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर इंसान के पास जो है वो गैजेट्स मौजूद हैं, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यानी कि स्ट्रेस की एक वजह स्क्रीन टाइमिंग, एक बहुत बड़ी वजह इसको हम कह सकते हैं। स्ट्रेस को देखें, मैनेज करना है ना हमने, इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि स्ट्रेस तो आ गया, अब उसको मैनेज कैसे करना है। अच्छा, ये हम मैनेज पे बात करेंगे, उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम जो बेसिक जो वजूहत हैं उस पर डिस्कशन करें, देन हम उस पर आएंगे कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको ओवरकम हम किस तरह से कर सकते हैं। चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाना, बेजा बहुत ज़्यादा गुस्सा, गुस्से की कैफियत में आ जाना, ये भी एक ज़हनी तनाव की वजह हो सकती है। ऑब्वियसली जैसे आपने पहले कहा कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, एक तो हो गया एक्यूट स्ट्रेस के, एक फेज आई स्ट्रेस की फिर ख़त्म होगी, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू है, जॉब का या एग्जाम्स हैं या कोई भी स्ट्रेस है, एक क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि चलता जा रहा है, और उसमें ये होगा कि आपके जो इमोशनल सिम्टम्स तो हैं ही हैं, आप चिड़चिड़ापन है, आप परेशान हैं, गुस्सा आ रहा है, उसके साथ साथ बिहेवियरल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली जो फेज होगी उसमें आपको बॉडी पेन्स हो सकती हैं, मसल एक्स होते हैं, हेडेक होता है। नॉर्मली हमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कुछ लोगों को जैसे ही स्ट्रेस होता है उनको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, या मसल एक स्टार्ट हो जाता है, या कुछ को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो क्रॉनिक स्ट्रेस उस टाइम पर भी आप डील नहीं करते हैं, वो सॉल्व नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो फिर किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शक्ल में हमें सामने आएगा, कॉमनली नोन एज डिप्रेशन या एंजाइटी। और वो इस वक्त हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेरी कॉमन, मेंटल इलनेस बहुत कॉमन होती जा रही है। द ओनली थिंग इज के इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक हमारी पॉपुलेशन में कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और अगर आइडेंटिफाई कर भी लें तो एक टैबू समझा जाता है। अच्छा, ज़हनी मसाइल की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे लोग जो है वो काफ़ी हद तक अवेयर भी हैं, लेकिन जब हम ज़हनी मसाइल की, ज़हनी बीमारी की बात करते हैं, लोग एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने से इसलिए कतराते हैं या घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि मैं पागल हूँ, मतलब ज़हनी बीमारी को हम पागलपन के साथ मुंसलिक कर देते हैं। अब देखिए, नॉर्मली अगर हमें बुखार होता है या कोई भी और फिजिकल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी टाइम जाते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन है ना कि आजकल जैसे स्टार्ट में आपने बात की कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है हमारी इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो अब इतनी अवेयरनेस सब में है और जो सोशल मीडिया के थ्रू भी बाकी भी, कि अगर पता चल भी जाएगा कि हमें कोई साइकोलॉजिकल इशू है, हम नहीं जाएंगे, एक वो टैबू समझा जाता है। इवन फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है आपके जानने वाला, हम नहीं विजिट करते कि वो क्या सोचेगा, या एंड ऑब्वियसली जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे यू नीड टू टेल योर इशूज एंड ऑल एवरीथिंग, तो एक वो आई थिंक वो कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज भी आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। दो के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी बात होगी वो सेफ रहेगी, वो किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं होगी। एक बीमारी ऐसी है, इसका इलाज तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम वो कहते हैं डॉक्टर को, वकील को सब कुछ सच सच बताना चाहिए अगर आप कामयाबी चाहते हैं। मज़ीद डिस्कशन करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़हनी तनाव से रिलेट करती हैं वो भी जानेंगे, इसके इसका जो हल है, खासकर इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन हो सकता है ये भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करें, ज़हनी दबाव क्या है, वजूहात क्या हैं, और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इसी पे डिस्कशन की जा रही है। सुमर हमारे साथ हैं, सुमर हम बात करते हैं ज़हनी दबाव की, ये जो इस वक्त हम देख सकते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है, बेशुमार रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। अच्छा ये बताएँ कि अक्सर लोग कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, बार बार नींद से बेदार हो जाना या प्रॉपर नींद ना आना, ये भी एक ज़हनी दबाव, एक एंजाइटी या डिप्रेशन की अलामत हो सकती है या कोई और इशू हो सकती है। वेरियस रीजंस हमें पहले असेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि फिजिकल सिचुएशन, फिजिकली क्या कंफर्टेबल है उसका, स्लीपिंग पोस्चर, द बेड ऑन विच द पर्सन इज स्लीपिंग, वो सब चीज़ें अगर सेटल डाउन है,
लाइट टेम्परेचर वो सब ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल गर्मी का मौसम है और एक इंसान को गर्मी लग रही तो ऑब्वियसली उसको नींद नहीं आएगी. सबसे पहले तो फिजिकल रीजंस रूल आउट करने की ज़रूरत है. उसके बाद अगर तो फिजिकल रीजंस सेटल डाउन है देन वी नीड टू लुक टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल इश्यूज के स्ट्रेस की वजह से है या डिप्रेशन की वजह से है. क्रॉनिक स्ट्रेस में भी ऐसा हो सकता है अक्सर लोगों को कि उनको नींद नहीं आती या जैसे आपने कहा बार बार आंख खुल जाती है सुकून की नींद नहीं आती उसको आप कहते हैं गहरी नींद में नहीं जाते. एग्जैक्टली कुछ लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश नहीं होते. बेशक उन्होंने 7-8 घंटे की पूरी नींद ली है लेकिन स्टिल वो जब सुबह उठते हैं तो वो फ्रेश नहीं होते. स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है या आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है कि आपने उसको शिफ्ट कर लिया है उसके जो टाइम टेबल है ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया. फॉर एग्जांपल कुछ लोग शाम में सो जाएंगे फॉर 2-3 आवर्स या सुबह लेट उठेंगे तो ऑब्वियसली फिर रात को आपकी बॉडी को नहीं नीड होगी ना उतनी नींद की तो वो नहीं आएगी. और दूसरी रीज़न ये कि जो डिप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एनजाइटी तो उसके एसोसिएटेड भी या तो इंसोमनिया हो सकता है या हाइपरसोमनिया हो सकता है कि या तो आपको नींद नहीं आएगी इंसोमनिया कम आएगी थोड़ी आएगी या हाइपरसोमनिया कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है कि आप अगर 10-12 घंटे भी सो रहे हैं स्टिल आपकी बॉडी चाहेगी कि आप और सोते रहें क्योंकि आप सुस्ती जो उसकी बैक साइड स्टोरी ये है कि स्ट्रेस में आप होते हैं ना आपकी बॉडी की जो रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी लग रही होती है ना स्ट्रेस में आपका माइंड उसमें एनर्जी लगा रहा है बॉडी लगा रही है तो आपकी बॉडी थक जाती है. ठीक है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है. एग्जॉशन की जो फेज होती है स्ट्रेस में वो इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो बस एक स्लीप उसका एक तरह के कोपिंग मैकेनिज्म होता है टू एस्केप फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस. ये वजह कि सोएगा तो चलो उस चीज़ों से कुछ टाइम के लिए जो है ना एस्केप मिलेगा ब्रेक मिलेगी. तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि या तो इंसोमनिया इंसान सफर करेगा या हाइपरसोमनिया. लेकिन इसकी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल ये है एक तो ये जैसे आपने कहा कि नींद नहीं आएगी और दूसरी स्टेट अगर आती भी है तो वो सुबह उठेंगे तो वो फ्रेश नहीं होंगे. दे विल स्टिल फील लेथार्जिक क्योंकि नॉर्मली तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान जिसका नॉर्मल स्ट्रेस लेवल है प्रॉपर उसकी 7-8 घंटे की नींद है वो तो बड़ा फ्रेश उठेगा रिलैक्स होगा. लेकिन जो इंसान क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा है या डिप्रेशन से गुजर रहा है वो फ्रेश फील नहीं करेगा. वही थकावट वही अजीब सा उसका वही चिड़चिड़ापन सा होगा. अच्छा ये बताएं कुछ लोग देखा होगा आपने भी इवन जो नाज़रीन देख रहे हो सकते हैं इनमें से भी किसी के साथ हो या इनके इर्द गिर्द लोगों में कि खुद से बातें खुद कलामी करते रहना आप मतलब आपके साथ कोई नहीं है आपके आसपास कोई नहीं है लेकिन आप खुद से बातें किए जा रहे हैं ये ज़हनी दबाव की वजह है या कोई और मसला हो सकता है. अगेन इसमें है कुछ लोगों को आदत होती है खुद से बातें करना. एक तो होती है डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग तो एक नॉर्मल चीज़ है हम सब करते हैं. अच्छा अगर हमने कोई भी इवेंट आना है कुछ भी करना है हम डे ड्रीम करते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा. अगर इस तरह हो गया के वो एक कहानी बुनते रहते हैं. अगर इस तरह हो गया तो हम इस तरह कर लेंगे. ये भी एक तरह की कोपिंग स्ट्रेटजी है ना कि आपका जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कोप अप करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं. तो अगर तो ये एक नॉर्मल लेवल पे है तो इट्स फाइन. अगर तो आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर थिंग इन स्टफ अगर हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक अनहेल्दी चीज़ है. इसी तरह से कुछ लोग डे ड्रीमिंग के साथ सेल्फ टॉक करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल टू सम लेवल. लेकिन अगर वो आपकी रूटीन के साथ डिसरप्ट कर आपकी रूटीन उससे अफेक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली दैट इज़ अनहेल्दी और एक वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हो जाएगा. यानी कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के खुद कलामी कर रहे हैं तो उसे वो आप सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश में कि गोल क्या है आप क्यों कर रहे हैं उस पे ये डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं बोल क्या रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है कि वो कह रहा है कि मेरा एक इमेजिनरी फ्रेंड है मैं उससे बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग. हमें उसको असेस करने की जरूरत है ना. अगर तो वो खुद से प्लानिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक इवेंट की तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग नॉर्मल गोल लेकिन क्या अगर है? कुछ खतरनाक सोच रहे हैं खुद को नुकसान पहुंचाने की या कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वी नीड टू रूल आउट ना कि उसको कोई साइकोटिक इलनेस तो नहीं है दैट नीड्स टू बी असेस्ड एंड ट्रीटेड. अच्छा सोशल मीडिया को हम देखें क्योंकि हमारा पहला टॉपिक भी जो था वो फिजिकल एक्टिविटीज पे था बॉर्डर लाइफ स्टाइल पे था तो ज़हनी दबाव में भी हमारी लाइफ स्टाइल का बड़ा एक अहम रोल है तो उसमें टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते ना ही इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत अहम रोल है. पॉजिटिव देखें तो भी बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली अगर नेगेटिव देखें तो भी हमने इसका जो रोल है वो बहुत अपनी ज़िंदगी में इसको गहरी जगह दे दी हुई है. तो ज़हनी दबाव में ये क्या किरदार अदा कर रहा है सोशल मीडिया. बैलेंस देखें एवरीथिंग नीड्स टू बी इन बैलेंस. अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर आजकल के हालात में देखें ऐसे हाजिर दौरे हाजिर की बात करूँ तो सोशल मीडिया और ज़हनी दबाव को कैसे देख रही हैं आप. देखें अगर ये पानी का ग्लास भी पड़ा है ना हमने एक सर्टेन अमाउंट
पानी पीना होता है पूरे दिन में. अगर हम ज्यादा पानी भी पियेंगे तो वो वाटर टॉक्सिसिटी की कंडीशन में हमारे सामने आएगा और उसकी भी सर्टन रिपरकशंस हो सकती हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ेंगी. इसी तरह से सोशल मीडिया और आजकल का स्ट्रेस का रहना है कि अगर तो सोशल मीडिया पे अगेन कि आप देख क्या रहे हो. अगर आप बार बार न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, अब क्या चीज़ बढ़ गई, अब क्या कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे. आप अपने माइंड में एक चीज देखी जा रही है जिसमें आपको टेंशन मिल रही है, आप अपने माइंड को बार बार एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है. ऑब्वियसली जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नेगेटिव थॉट्स अपनी बॉडी में इनकलकेट कर रहे हैं और उसका जो आउटकम आ रहा है, जो बिहेवियर आ रहा है, वो पॉजिटिव आएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ चीज़ें हैं जो कि हम नहीं अवॉइड कर सकते लेकिन उनको हम मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, मैनेज किस तरह करते हैं इस पर भी बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो हम घर की बात कर रहे हैं, अपने रिश्तों की बात करते हैं, उसमें जो आए दिन हमें झगड़े देखने को मिल रहे होते हैं, इसकी वजह से भी क्या इंसान जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है या नहीं, इस पर भी इंडिविजुअल बात करेंगे. लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करें, ज़हनी दबाव क्या है, वजूहात क्या है, इस पर हम बात करें. सुंबल हमारे साथ है. सुंबल, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लिंक दिया था घरेलू झगड़े जो हो रहे हैं, रिश्तों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ हमें देखने को मिल रहा है, इसका ज़हनी दबाव से क्या ताल्लुक है? क्या हमने अपने आप को इतना एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इन्वॉल्व कर दिया है कि हमें सही और गलत की पहचान, रिश्तों की पहचान जो है वो हमें कम होना या ख़त्म होना शुरू हो गई है? वेरियस रीजंस हैं लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगती है वो है कि हमें इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती. अच्छा. हमें इमोशनल रेगुलेशन सिखाई ही नहीं जाती. हमें बाकी सब सिखाया जाता है जो कि फिज़िकल नज़र आने वाली चीज़ें हैं, मगर हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अगर गुस्सा आएगा तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से रिजॉल्व करना है, अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो वहाँ आपने कैसे मैनेज करना है. एग्जैक्टली, इमोशंस कहीं नहीं समझाते ना. अगर कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है बच्चे को या रोना आ रहा है, तो हम उसको उसी टाइम स्नप कर देते हैं. वो हमें चीज़ सिखाई ही नहीं जाती कि हमने उसको मैनेज कैसे करना है. पॉजिटिव इमोशंस पे तो बहुत अच्छे से हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे नज़दीक, उनको हम बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि हमने उनको मैनेज किस तरह से करना है. वो चीज़ें ऑब्वियसली जब फिर सिखाई ही नहीं जाती, हमें आती ही नहीं है मैनेज करना, तो एडल्टहुड में जब प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उन पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है. क्योंकि हमें स्ट्रेस मैनेज ही नहीं करना आता मेजॉरिटी को. आजकल फिर रिश्तों में इतना ज़्यादा बिगाड़, इतने ज़्यादा जो है वो सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है. एग्जैक्टली, बहुत इस पर यही है ना कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक बिल्कुल ब्रीफ मैं आपको अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो 4 A's जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रेटजी है कि अवॉइड, ऑल्टर, अडैप्ट एंड एक्सेप्ट. मुझे लगता है कि जो आप पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर कोई प्रोफेशनल ना भी करे, अगर आपने खुद भी अपनी असेसमेंट करनी हो, आप बहुत आराम से कर सकते हैं. सबसे पहली तो ये चीज़ के अवॉइड, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से आपको स्ट्रेस है, आप उसको अवॉइड करें. अब आप नो बोल दें कुछ चीज़ों पे. अगर आप नो बोलना जिस दिन आप सीख गए ना, एग्जैक्टली, बहुत सारे इश्यूज आपके खुद ब खुद जो है ना वो सॉल्व हो जाए. बाउंड्री डेवलपमेंट नहीं है ना, हमें बाउंड्री क्रिएट ही नहीं करनी आती. हम बहुत से लोग देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी, कहते हैं हमसे नो बोला ही नहीं जाता. Yes, हम वो काम नहीं करना चाह रहे होते, हम नहीं जाना चाह रहे होते, लेकिन हमसे ना नहीं बोला जाता. तो फर्स्टली तो ये कि अवॉइड करें, ना कहना सीखें, बाउंड्री बिल्डिंग करें. उसके बाद ये कि ऑल्टर, अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते कि आपने प्रोफेशनली किसी इंसान से मिलना ही मिलना है डेली, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपने कुछ सर्टेन लोगों से ऑब्वियसली आपका डेली इंटरेक्शन है, तो आप क्या करें कि आप उस स्ट्रेस को थोड़ा सा ऑल्टर करने की कोशिश करें. आप अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी इम्प्रूव करें. जैसे मैंने अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कम्युनिकेशन में कि जो इंसान शहद से मरता है उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं है. wow. कि अगर जो इंसान आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन ऊपर नीचे करने से
माहौल ठीक हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई हर्ज है, कोई बुराई है। इस बात के माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है हमारी तरबियत में, क्योंकि बहुत सिखाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ये इस्लाम हमें सिखाता है कि आप जो है ना वो आला अखलाक का मुजाहरा करें, अगर सामने वाला आपसे जितना भी लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप प्यार मोहब्बत से उसे हैंडल करने की कोशिश करें। देखिए देखिए किस तरह से कितनी जल्दी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। एक वो बहुत एक और भी चीज़ सिखाई जाती है तरबियत में, जो हमने भी सीख बहुत सुनी है कि कहा जाता है कि आपने अगले के लिहाज से मत जवाब दें, आप अपनी तरबियत के लिहाज से जवाब दें। और इसी चीज़ को जो है ना वो प्रमोट करने की हमें इस वक्त अशुद्ध ज़रूरत है। ज़हनी दबाव का जो शिकार लोग हैं उनका देखने में आ रहा है रुझान जो है वो मनशियात की तरफ बहुत होता जा रहा है, ये किस कदर ख़तरनाक है? बहुत ख़तरनाक है ऑब्वियसली, कि आपकी जो एडिक्शन हो जाती है वो जितनी भी ये एडिक्शन है जो मैंने ऑब्जर्व की है या जो रिसर्च बेस्ड भी है उसमें से बस 1 या 2% जो है वो रिकवर कर पाते हैं। अच्छा। बाकी आप जितना ट्रीटमेंट करवा लें, रिहेबिलिटेट करवा लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली अब तो जिस तरह के जैसे हर चीज़ में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट आते हैं ना, इस तरह से जो लेटेस्ट ड्रग्स आ रहे हैं देयर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। उनके बहुत जल्दी आपको वो अपना आदि कर लेते हैं, आपको हाइजैक कर लेते हैं, देन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अगेन वही है ना कि एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है कि आप इंस्टेड ऑफ कि आप स्ट्रेस को फेस करें, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, स्ट्रेटजीज देखें ना आप, डिस्कस करें किसी से कि मुझे ये स्ट्रेस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर अब आजकल जो रिसर्च बेस्ड चीज़ है कि ज़्यादा एडिक्शन स्टूडेंट्स में नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स देखें आज से तो नहीं है ना, स्टूडेंट्स तो हमेशा से हैं, हमेशा से ही पढ़ाई चलती आ रही है, लेकिन अभी जाकर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया का भी ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि अब एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, वो बच्चे कुछ लोगों ने हम इदारों की जहाँ बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एक स्टेटस सिंबल भी बना लिया ना इसको, इसकी वजह से हम ये नहीं देखते कि अभी तो चलो हमने इसको एक वो अपने स्टेटस सिंबल में शामिल कर दिया है, लेकिन जब हम इसके आदि हो जाएंगे तो ये हमारे लिए कितना बड़ा एक खतरा जो है वो बन सकता है। पीयर प्रेशर है ना, पीयर प्रेशर कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अगेन इसमें वही इमोशनल रेगुलेशन वाली बात आ जाती है कि जब आपको अपनी सेल्फ क्लियर नहीं है कि आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आप दूसरों के रंग में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। ताकि अगर आपने खुद को पहचान लिया, अपनी जात को पहचान लिया, खुद से मोहब्बत आपने शुरू कर दी, देन ये तमाम तर जो इश्यूज हैं आप अपने आप को उनसे दूर रखने की हर सूरत जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए वो ये कंट्रास्ट है ना कि हर बच्चा इस सिचुएशन में जाता भी नहीं है, उसके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं या और भी कलीग्स अगर कर रहे हैं तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि 100% हर इंसान ही करने लग जाएगा। तो क्या वजह है कि जो करता है वो क्यों करता है, जो नहीं करता वो क्यों नहीं करता? यानी उसकी कंपनी, उसके वालिदैन, जहाँ उस जो उसके इर्द गिर्द चीज हो रही होगी उसी से वो सीख के अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। कुछ ही मिनट्स हमारे पास है, मैं चाहूँगी कि पूरे प्रोग्राम को जो है ना इसके एक शॉर्ट सा पैगाम जो है वो नाज़रीन के लिए रखें कि इसका सलूशन, इलाज क्या है, कि अगर जाने अनजाने में हम ज़हनी दबाव का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है ना, चाहते हुए मुझे लगता है कि हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो बनती है, इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश रंग भी ले आती है अगर आप दिल से कोशिश करें तो। 40 सेकेंड आपके पास में चाहूँगी, 40 सेकेंड में आप जो है ना वो एक पैगाम दे दें कि कैसे ज़हनी दबाव से खुद को बचाएं। देखें जो साइकोलॉजिकल इशू है स्ट्रेस, इसको भी फिजिकल इशू की तरह देखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, हेल्प सीख करें, किसी से डिस्कस करें, किसी प्रोफेशनल से मीट करें, ताकि जो स्ट्रेस है वो टाइमली एड्रेस हो और टाइमली उसका सोल्यूशन निकले, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें। थैंक यू सो मच सुंबल, थैंक यू सो मच, अपने वक्त इतनी अहम इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही। यकीनन नाज़रीन जब हम बात करते हैं अपने खूबसूरत सी ज़िंदगी की जो कि अल्लाह पाक ने हमें दी है, इसका ख्याल रखना हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अपने आप को पहचाने, अपनी ज़ात को पहचाने, अल्लाह पाक ने बहुत सारी सलाहियतों से आपको नवाजा है, तो उन सलाहियतों को पहचाने, उजागर करें, ज़िंदगी को इंजॉय करें। इस स्ट्रेस से, ये जो डिप्रेशन में हम ख़ुद को लेके चले जाते हैं, अपने साथ हम जो है वो नाइंसाफ़ी करना शुरू कर देते, अपना ख्याल नहीं रखते, और ना सिर्फ आप बल्कि आपकी वजह से, आपकी अपने साथ नाइंसाफ़ी करने की वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। जहाँ आप ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो जो है आपका पूरा एज जो सर्कल है, कॉलेज का, फ्रेंड्स का, ऑफिस एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसा कभी आप नहीं चाहेंगे कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान हो, इसलिए ख़ुद को खुश रखें, हेल्दी रखें, ताकि आप, आपकी फैमिली, आपका मुआशरा जो है वो खूबसूरत और खुश रहे। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।